हेलो लर्नर्स, वेलकम टू डे 4 ऑफ रिवीजन सीरीज, जहां पे हम रिवाइज करेंगे आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो इस पूरे ही सेशन में हम पूरा जेनेटिक्स फर्स्ट जो है आपका उसको हम रिवाइज कर लेंगे। राइट, इजी है जेनेटिक्स, बहुत ज्यादा टफ लेके मत चलिए, बहुत इजी है। जो भी एनसीईआरटी में पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर से, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑन इनहेरिटेंस से डील करेंगे, वेरिएशन से डील करेंगे, जो कि हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स को। तो अगर आपको ये नहीं पता कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फिर आपको कोई नॉलेज ही नहीं है जेनेटिक्स के बारे में। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है हमारे? ग्रीगर जॉन मेंडल। और थोड़ा सा अपने दिमाग में लगा लो कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, तो वो है आपके TH मॉर्गन। तो दो क्वेश्चन मेनली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, या तो वो आपसे पूछेगा फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो वो आपके ग्रीगर जॉन मेंडल उसका आंसर है। और अगर उसने पूछा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो उसका आंसर है TH मॉर्गन, यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन। ओके, अब ये जो आपके मेंडल है, मेंडल ने यूजुअली जितनी भी अपनी स्टडी करी वो गार्डन बी पे करी। गार्डन बी का बोटानिकल नेम क्या होता है? इट इज पाइसम सटाइवम। सटाइवम का एस स्मॉल होगा, बच्चे यही गलती करते हैं, पाइसम सटाइवम तो लिख के आ जाएंगे लेकिन एस को कैपिटल करके आ जाएंगे, तो वहीं पर मार्क्स उनके डिडक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पे पाइसम का पी कैपिटल, यानी कि ये आपका जो जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है पाइसम को, उसका पी कैपिटल, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है, या फिर आप बोल सकते हो जो स्पीशीज है, उसको हम स्मॉल से लिखेंगे। ओके, सो ये गार्डन पी का बोटानिकल नेम है। अब हम बात कर रहे हैं मेंडल के वर्क की। तो देखो, तीन क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में। सबसे पहले, मेंडल ने गार्डन पी ही क्यों यूज करी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? मतलब ऐसा क्या था गार्डन पी में जो सिर्फ उन्होंने गार्डन पी चूज करी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? मेंडल के सक्सेस के रीजंस क्या क्या है, और मेंडल के हिडननेस के रीजंस क्या क्या है? तो अगर मैं 2020 का बोर्ड एग्जाम पेपर उठाऊं, जो CBSE का है ऑफिशियल, तो उसमें आपको हिडननेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अगर देखो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 3 क्वेश्चन बन के आ सकते हैं आपके लिए। एक रीजन कि क्यों मेंडल ने चूज करा पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि सक्सेस क्यों, कैसे पॉसिबल हुई मेंडल की, क्यों उन्हें सक्सेस मिली अपने एक्सपेरिमेंट में। और थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बन के आ सकता है हिडननेस का। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मेंडल ने क्यों चूज करा पी प्लांट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? तो मेंडल ने पी प्लांट इसलिए चूज करा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्योंकि ये बहुत इजी टू कल्टिवेट है, कहीं पे भी आप इसे ग्रो करवा सकते हो। और जो मेंडल थे वो क्रॉपिंग भी करते थे, फार्मिंग भी करते थे, तो जो चर्च था उसके पीछे के साइड जो ग्राउंड था वहां पे वो गार्डन पी को क्रॉपिंग करते थे, वहां पे फार्मिंग करते थे। तो इसलिए पी बहुत उन गार्डन पी बहुत इजी था कल्टीवेट के लिए, कहीं पे भी आपका कल्टीवेट हो जाता है, तो इसलिए गार्डन पी को उन्होंने सिलेक्ट करा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। दूसरी चीज, यहाँ पे शॉर्ट लाइफ साइकिल हमें देखने के लिए मिलती है गार्डन पी के अंदर। शॉर्ट लाइफ साइकिल मतलब अगर मैं एग्जाम्पल ले लू ह्यूमन का, ओके, हम जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ह्यूमन का लाइक एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है 70 ईयर्स। ओके, सो अगर मुझे एक ह्यूमन की स्टडी करनी है तो वो लाइक 70 ईयर्स मुझे उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, फिर अगले 140 ईयर्स बाद दूसरी जनरेशन पूरी मैं कंप्लीट कर पाऊंगी स्टडी करने के लिए। बट क्या मेंडल की लाइफ, मेंडल के पास इतना टाइम था कि वो 140 ईयर्स स्टडी करे, और ये भी सिर्फ दो जनरेशन की, एक ये एक ही जनरेशन की स्टडी कर पाएंगे? ओके, एक तो ये एक ही जनरेशन होगी, ठीक है, इनके भी जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनकी स्टडी करेंगे, तो ज्यादा जनरेशन की स्टडी नहीं कर सकते थे अगर ह्यूमन को लेके चलते मेंडल स्टडी करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने चूज किया पी प्लांट, क्योंकि बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल है, 2-3 मंथ्स में दूसरी ऑफस्प्रिंग आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, उन्होंने बोला अभी इसकी स्टडी कर ली, इसके ऑफस्प्रिंग आ जाएंगे 2-3 मंथ्स बाद, तो फिर हम उसकी स्टडी कर लेंगे। हाउएवर, लाइफ स्पैन ही अगर हम देखें ह्यूमन का तो वो 70 ईयर्स होता है, तो अगर एक कंप्लीट लाइफ की वो स्टडी करते तो 70 ईयर्स तो उन्हें उसमें देखने पड़ते ना, तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता, और मेंडल की लाइफ भी इतनी नहीं थी कि वो पूरा 70 ईयर्स किसी और ह्यूमन बींग की लाइफ को स्टडी कर पाए। और हो सकता है एक में स्टडी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग चाहिए होते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए, कोई भी चीज ऑब्जर्व करने के लिए हम लार्ज पॉपुलेशन को लेते हैं। तो इसलिए पी प्लांट की शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, प्लस उन्होंने क्रॉप में पूरे फील्ड में स्टडी कर रहे थे, तो बहुत बहुत सारे क्रॉप्स उगाए उन्होंने, और यहाँ पे हमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग देखने के लिए मिले। ओके,
दूसरा ये ना नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड था, मतलब मेंडल को जाके पॉलिनेटर का वेट नहीं करना, ये नेचुरली सब कुछ सेल्फ पॉलिनेशन चल रहा था उसमें, यानी कि आपकी ऑटोगेमी चल रही थी। तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, किसमें, पी प्लांट में। तो यहाँ पे मेंडल का लाइक पॉलिनेशन एजेंट का भी कोई रोल नहीं है, वो खुद ब खुद सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये बहुत इजी था क्योंकि क्विकली यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ओके, आफ्टर रिसेप्शन ऑफ रिसेप्टिव जब हो जाएगा आपका स्टिग्मा वाला पार्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स भी देखने के लिए मिलते थे। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाइट एक ब्लैक, तो व्हाइट और ब्लैक क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, राइट। लेकिन अगर लाइक आपको वेरिएशन दिखाई दे रही है एक ही चीज में, जैसे सपोज कर लेते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन की हाइट का। ओके, सो ह्यूमन की हाइट में भी अगर मैं बात करूं तो किसी की होगी 6.2, किसी की होगी 6.1, किसी की होगी 6, किसी की होगी 5.9, किसी की होगी 5.8। ओके, और इसमें भी बीच में बहुत सारा वेरिएशन होगा। तो यहाँ पे अगर एक ह्यूमन की हाइट का एग्जाम्पल लिया, कितने सारे आपको करेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं ना, मतलब तो एक करेक्टर्स के कितने सारे ट्रेट्स, किसी की हो सकती है, किसी की हो सकती है, बहुत सारे, और इसमें भी बहुत वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। किसी की भी लाइक आप ये नहीं बोल सकते कि इतने ये जितने भी इस घर में लोग हैं उन सबकी हाइट सेम है, नहीं, आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पे लेकिन अगर हम बात करें पी प्लांट की, तो पी प्लांट में इतने ज्यादा वेरिएशन आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। ओके, दूसरी चीज हम बात करते हैं मेंडल के सक्सेस की। देखो हमने ये सारे पॉइंट कवर अप कर लिए। ओके, मेंडल के सक्सेस का रीजन क्या था, मेंडल की सक्सेस का रीजन था कि उन्होंने पी प्लांट को चूज करा, और पी प्लांट को क्यों चूज करा था ये हम पढ़ चुके हैं। फिर इन्होंने यूज करा मैथमेटिक्स और स्टेटिक्स फर्स्ट बार बायोलॉजी के अंदर, लेकिन ये ही उनके सक्सेस का कारण है। ये एक ये भी बोल सकते हो कि ये उनके हिडननेस का, या आप जो इतने सालों तक छुपा रहा, दब गया आपका मेंडल का वर्क, उसका भी कारण है। लेकिन मैथमेटिक्स की वजह से, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी की वजह से ही मेंडल को सक्सेस मिली। कुछ करेक्टर्स की उन्होंने स्टडी करी सिर्फ एक टाइम पे, यानी कि उन्होंने अगर चूज करा सीट का कलर, तो सीट के कलर को ही वो स्टडी करा, ऐसा नहीं कि वो कुछ और स्टडी करने लग गए। एक टाइम पे एक चीज, कहते हैं ना, मतलब एक टाइम पे अगर आप एक चीज करते हो तो आप उस चीज में अपना 100% देते हो। ओके, सो यही चीज कंसेंट्रेशन के साथ आप उस चीज को स्टडी कर पाओगे, राइट। तो फ्यू करेक्टर्स की स्टडी करी उन्होंने एक टाइम पे। फिर यहाँ पे उन्होंने प्योर लाइंस ली, या फिर आप क्या बोल सकते हो, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्या होती हैं, वो लाइंस जो आप कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन में गई हो। एज आई से जो आपका पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है, सेल्फ पॉलिनेशन अंडरगो करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएंगे, प्योर लाइंस हो जाएंगी। उसमें आपको हेटरोजाइगस वाली चीज दिखाई नहीं देगी, सिर्फ होमोजाइगस वाली चीज दिखाई देगी। ओके, फिर यहाँ पे लार्ज सैम्पलिंग साइज की स्टडी करी, एक प्लांट की नहीं, उन्होंने पूरे पूरे क्रॉप्स की स्टडी करी। तो इसलिए लार्ज सैम्पलिंग साइज की वजह से भी, जब हम ज्यादा सैम्पलिंग साइज लेके चलेंगे ऑब्जर्वेशन का, तो ऑब्वियसली हमें रिजल्ट बहुत अच्छा और एक्यूरेट मिलेगा। ओके, फिर है आपका हिडननेस। अब हिडननेस के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहली बात, उस टाइम पे बहुत ज्यादा लिमिटेड सर्कुलेशन था। उस टाइम पे फेसबुक, व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऐसी चीजें नहीं थी, बहुत लिमिटेड था सर्कुलेशन। इनफैक्ट टेलीफोन्स भी नहीं हुआ करते थे। एक आपका न्यूज़पेपर आता था, वो भी संडे के संडे, जो आपका साइंस का पूरा रहता था कॉलम उसमें। सो उसमें बहुत लिमिटेड सर्कुलेशन था, वो भी सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर रहेगा या एक ही सिटी के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो कैसे दूसरे लोग पहचान पाएंगे, कैसे दूसरे लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जा पाएगी, तो सर्कुलेशन बहुत कम था। यहाँ पे कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे कि ये फैक्टर्स क्या है। मेंडल ने बोल दिया फैक्टर्स, उन्होंने अपनी स्टडी रखी, उन्होंने बोला ये क्या है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, तो उन्होंने बोला फैक्टर्स। उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था कि वो और अच्छी तरीके से बता पाए कि एग्जैक्टली फैक्टर्स क्या है, तो इसलिए वो एक फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे। तो इसकी वजह से भी, क्योंकि प्रूफ नहीं था उनके पास कोई फिजिकल, तो यहाँ पे उनका वर्क हिडन हो गया, रुक गया, आप ये बोल सकते हो। ओके, उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उस टाइम से काफी ज्यादा अच्छी चीज मेंडल ने दी थी। मतलब उस टाइम के लोग सिर्फ ये सोचने में लगे थे कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ह्यूमन एप से ह्यूमन कैसे बना, लोग सिर्फ इसी चीज में कंफ्यूज थे, डार्विन की थ्योरीज में एंड ऑल दैट में, राइट। लेकिन उस टाइम पे मेंडल ने इतनी बड़ी खोज करी, मतलब इतना टाइम दिया अपना, और उस चीज में सक्सेसफुल भी हुए, राइट। तो उस टाइम के लोग समझ ही नहीं पाए एग्जैक्टली मेंडल क्या बताना चाह रहे हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, एज आई से वहां पे सर्कुलेशन बहुत कम था,
तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी था ना, आप जितना ज्यादा दूसरों को अपनी बात बताते हो तो ऑब्वियसली किसी और को समझ में आती ना वो बात जो मेंटल उस टाइम कहना चाह रहे थे, बट नहीं हुआ ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, लोगों के ऊपर, लोग मेंटल के ऊपर ये बहुत क्वेश्चन करते थे कि आप तो एक बायोलॉजिस्ट हो, बायोलॉजिस्ट नहीं हो, राइट, फिर आप बायोलॉजी की फील्ड में क्यों वर्क कर रहे हो, आप तो एक मैथमेटिशियन हो तो आपको तो मैथ्स फील्ड में रहना चाहिए, बायो में नहीं आना चाहिए, और बायो में आप मैथ्स कैसे यूज कर सकते हो। तो कुछ साइंटिस्ट तो इसी से कंफ्यूज थे और इसलिए उनके वर्क को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते थे। बट इम्पोर्टेंस इज मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स बायो की फील्ड में भी यूज हुई और उससे रिजल्ट हमें बहुत बहुत अच्छे मिले। ओके यहाँ पे मेंटल का काम तो दब गया, लेकिन मेंटल ने क्या क्या वर्क करा था ये देख लेते हैं। मेंटल ने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो पढ़े, जो कि आपके एग्जाम में पूछ रहता है कि कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, टोटल कितने हो गए 14। 7 कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक डोमिनेंट होगा इसमें से और एक रेसेसिव। डोमिनेंट कौन सा होता है, वो जो कि बहुत, आप ये बोल सकते हो कि हाँ वो हर कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, जैसे पर्सन्स भी होते हैं ना, एक बहुत डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। जैसे एक फैमिली में कोई भी अगर डिसीजन लेता है तो वो हेड लेता है, यानी कि फादर, राइट। मदर उसके बाद आती है, तो अगर फादर की प्रेजेंस है तो फादर डिसीजन लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं जस्ट एक जो इंडियन फैमिली में कल्चर चलता आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, राइट। मैं जस्ट ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि लाइक एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी वैसे भी है हमारी इंडिया की, तो इसमें जो फादर है वो डिसीजन लेता है तो वो डोमिनेंट है घर के लिए। ओके यहाँ पे मदर उसको हाँ बोलेगी कि ऐसा ऐसा हम डिसीजन ले सकते हैं, बट डिसीजन किसको लेना है, फादर को। सो यहाँ पे रिसेसिव कौन हो गई, आपकी मदर, और जो डोमिनेंट है वो कौन है, आपका फादर। तो हमें ये दोनों चीजें देखने के लिए मिलती है। सो ऐसे कुछ 7 करेक्टर्स की आपकी स्टडी करी आपके मेंडल ने, जिस सबसे पहले था शेप ऑफ सीड, रिंकल्ड भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है। सीड कलर ग्रीन और येलो दो देखने के लिए मिलते हैं हमें। फ्लावर का कलर व्हाइट और वॉयलेट। पॉड की शेप कॉन्स्ट्रिक्टेड और फुल, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब सिक्योरिटी हुई। ओके पॉड कलर ग्रीन और येलो। फ्लावर का कलर, सॉरी फ्लावर का पोजीशन, इट इज एक्सियल एंड टर्मिनल। ओके एक्सियल मतलब एक्सिस पे और टर्मिनल मतलब साइड साइड से। ओके देन आपका स्टेम की हाइट, तो ड्रॉप और टॉल, इसमें आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है टॉल और ड्रॉप क्या होता है। उन्होंने क्या टेक्निक यूज करी थी, तो मेंडल ने टेक्निक यूज करी थी, उन्होंने सबसे पहले सिलेक्ट करे प्योर प्लांट्स। यहाँ पे प्योर प्लांट्स का मतलब क्या है, वो प्लांट्स जो कि कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन अंडे को करते गए हो। उसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाई। ओके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ईमेस्कुलेशन और बैगिंग और टैगिंग टेक्निक का उन्होंने यूज करा। ईमेस्कुलेशन क्या होता है, जिसमें एक बाइसेक्शुअल फ्लावर जिसका हम मेल वाला पार्ट यानी कि एंथर पार्ट हम रिमूव कर देते हैं और सिर्फ फीमेल वाला पार्ट बचता है, और इस फीमेल वाले पार्ट में हम अपनी तरफ से जो भी डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स है वो शेड करवाते हैं। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है ई मैस्कुलेशन में। बैगिंग और टैगिंग हम करते हैं, ये हमने ऑलरेडी कवर अप करा है। ओके मूव ऑन टू द लॉज ऑफ मेंडल। तो देखो मेंडल ने तो 3 लॉ दिए हैं। ओके लेकिन यहाँ पे रीडिस्कवर जो उनका वर्क है 100 ईयर्स बाद, किसने करा, 3 साइंटिस्ट ने जिनका नाम अच्छी तरीके से पता होना चाहिए क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है। नंबर 1 युगोडी वेरी। युगोडी वेरी का रूल लाइक यूज इवोल्यूशन में भी होता है, लेकिन इवोल्यूशन अब आपके सिलेबस में नहीं है। ओके दूसरा है आपका कॉन टेशन मार्क। ओके सॉरी दिस इज कार्ल कॉरेंस। ओके एंड थर्ड वन इज एरिक वॉन टेशन मार्क। ओके ये टेशन मार्क है, ये कॉरेंस है, अब कैसे भी याद कर सकते, कोई सीक्वेंस याद नहीं करना है इसका। सो युगोडी वेरी, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन टेशन मार्क। सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कार्ल कॉरेंस का है। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं जो कि अभी हम रिवाइज करेंगे अच्छे से। ओके नंबर 1 आपका फर्स्ट वाला लॉ, विच इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ, इसमें ये क्या कहता है, ये वाला डोमिनेंस का लॉ, ये मेंडल ने दिया है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्टर है उसके दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, ऐसे कि मैंने बताया सीट शेप है तो एक रिंकल्ड होगी एक आपकी फुल होगी। ओके रिंकल्ड मतलब सिकुड़ी हुई। ओके तो यहाँ पे व्हेन द टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ करेक्टर आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 प्रोजेनी एंड इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील, व्हाइल द अदर दैट रिमेन्स मास्क इज कॉल्ड रिसेसिव एलील। ओके ये एलील नहीं, इज नोन एज रिसेसिव।
ओके सो देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया एक फैमिली है तो फादर सब डिसीजन ले रहा है, मदर उसको बोल सकती है बट फादर डिसीजन ले रहे हैं तो वो डोमिनेंट है और मदर कौन हो गई रिसेसिव। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला लॉ क्या कहना चाह रहा है, ये लॉ ये कहना चाह रहा है कि जैसा मोनोहाइब्रिड कॉज में देखने के लिए मिलता है कि अगर कोई एक सपोज कर लो कोई एक प्लांट टॉल है, ओके तो कैपिटल टी उसके अंदर है, ये कैपिटल टी एकदम टॉल प्लांट है और ये स्मॉल टी है, ओके इसके गैमीट बने कैपिटल टी, इसके गैमीट बने स्मॉल टी, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी बन के एक मेरे पास प्रोजेनी आ गई, तो ये एक जनरेशन में आई ना, ये F1 प्रोजेनी है राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जब दो करेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ओके दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ करेक्ट, एक करेक्टर्स की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म देखने के लिए मिलती है, मतलब एक टॉल है कॉन्ट्रास्टिंग ऑल्टरनेटिव एक ही बात है और एक ड्रॉफ है राइट। तो जब F1 इसकी जनरेशन आती है तो यहाँ पे सिर्फ डोमिनेंट एक्सप्रेस होता है, एक करेक्टर एक्सप्रेस होता है वो जो डोमिनेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कैपिटल टी क्या होती है आपकी होमोजाइगस कंडीशन, क्या होती है होमोजाइगस कंडीशन, ओके कैपिटल टी इज होमोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है आपका दोनों एक्सप्रेस हो सकते हैं, मतलब आपका डोमिनेंट एलील भी और रेसेसिव एलील भी, रेसेसिव एलील हम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं और डोमिनेंट एलील हम किससे लिखते हैं कैपिटल लेटर से, आई रिपीट डोमिनेंट एलील कैपिटल से और स्मॉल वाला रेसेसिव से, रेसेसिव मतलब वो शो कर रहा है उसको। तो यहाँ पे जो प्रोजेनी आएगी वो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगी राइट, ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो टॉल प्रोजेनी को टॉल प्लांट को यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन जब हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी करते हैं तो F2 जनरेशन भी आती है और F2 जनरेशन में आपको यहाँ पे जो ड्रॉफनेस है यानी कि जो रेसेसिव करेक्टर है जो अभी F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा था वो आपकी F2 जनरेशन में भी एक्सप्रेस होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि वो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ करेक्टर यानी कि एक करेक्टर के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है, जैसे गार्डन पी में अभी आपको मैंने 7 करेक्टर्स दिखाए, ओके दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है या दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स है जिनके, जिसमें से F1 जनरेशन में सिर्फ एक एक्सप्रेस होगा और जो एक्सप्रेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस हो रहा है टॉल करेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है तो टॉल वाला डोमिनेंट है और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे हम रेसेसिव करेक्टर। हाउएवर ये जो रेसेसिव करेक्टर है वो आपका F2 जनरेशन में आपका शो होगा तभी हमें हमारे पास फिनोटाइप क्या आएगा, यहाँ पे फिनोटाइप हमें देखने के लिए मिलेगा 3:1, ओके ये फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो हमें इसलिए देखने को मिलेगा। दूसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन जो आपका एलील्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, वो एक दूसरे से चिपके नहीं रहते, जैसे कि अगर मैं बात कर लूं कैपिटल टी ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग चले जाएंगे, ओके ये एक गेमीट में ये वाली एलील आ जाएगी, एक गेमीट में ये वाली एलील आ जाएगी, ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, ओके और गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते, यही कहता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन सच दैट अ गैमीट रिसीव ओनली वन और द टू फैक्टर्स, दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट आपका थर्ड लॉ विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसी के आगे है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के आगे, ये जो दो फैक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं करेक्टर्स, एक करेक्टर्स के दो फैक्टर, फैक्टर की यहाँ पे किस उसकी बात हो रही है एलील्स की, जैसे कैपिटल टी ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन अलग अलग हो जाएंगे तो ये कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते, ओके और रीअरेंज हो जाते हैं। देखो ये तो हम ऐसे पेपर पे लिख रहे हैं ना, लेकिन ये ऐसा होगा तो ना, ये तो क्रोमोसोम्स के ऊपर होंगे, ओके तो ये क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, जैसे यहाँ पे है यहाँ पे, ओके सो ये क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं और साथ ही न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हमें देखने के लिए मिल रहा है F1 जनरेशन में, ओके सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि ये
पहली बार जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये अलग हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली, कोई भी गैमेट लाइक कुछ भी ब्लेंडिंग शो नहीं करेंगे, और ये रीअरेंज भी हो जाते हैं रैंडमली खुद से और एक नए कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये कॉम्बिनेशन क्या होगा आपका, हेटरोजाइगस, राइट? तो हेटरोजाइगस कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा एंड गेट रैंडमली रीअरेंज इन द ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूसिंग बोथ पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर, नए नए कॉम्बिनेशन का भी ये फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे दो चीजें पढ़नी है हमें जो कि आपके मेंडल ने ही दी थी। ओके, मेंडल ने नहीं दी थी, मेंडल ने दी थी, ये कॉरेंस ने दी थी। ओके, सो ये आपके वॉयलेशन है, कॉरेंस ने दी थी। कॉरेंस ने दो चीजें क्या दी है, कॉरेंस ने दिया है इंडिपेंडेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस और आपका को डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है, यहाँ पे F1 जेनरेशन में, ओके F1 जेनरेशन में जो प्रोजेनी आएगी वो इंटरमीडिएट करेक्टर शो करेगी दोनों पेरेंट के। ओके, इंटरमीडिएट मतलब दोनों का बीच का पार्ट। जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक फ्लावर कलर का, जैसे रेड रेड फ्लावर है और ये आपके व्हाइट व्हाइट फ्लावर है, तो रेड और व्हाइट को कभी आपने ड्रॉइंग करी हो तो यहाँ से आएगा स्मॉल कैपिटल आर, यहाँ से आएगा स्मॉल आर। कभी आपने ड्रॉइंग करी हो तो हम रेड और व्हाइट कलर को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, रेड और व्हाइट को मिक्स करते हैं तो आता है आपका पिंक कलर। ओके, सो कैपिटल आर स्मॉल आर, पिंक कलर यहाँ पे शो हुआ। तो ये जो क्रॉस है जो हमने फ्लावर में करा, ये वाला फ्लावर रेड था जो कि डोमिनेंट था और ये आपका व्हाइट था जो कि रेसेसिव था। तो यहाँ पे जो हमें प्रोजेनी देखने के लिए मिली ये कैसी थी, पिंक। तो उन्होंने बोला कॉरेंस ने, ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसमें जो F1 प्रोजेनी है वो आपका इंटरमीडिएट करेक्टर शो करते हैं अपने दोनों पेरेंट्स के। ओके, जो कि यहाँ पे क्रॉस हमने दिखा रखा है रेड व्हाइट और यहाँ पे आया पिंक। ओके, ये किस में देखने के लिए मिलता है, मीराबिलिस जलापा। ये मीराबिलिस जलापा साइंटिफिक नेम है और एंटीहेरियम मजुस। ओके, इन दोनों में देखने के लिए मिलता है, वो भी फ्लावर कलर में। और इसका एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसमें जीनोटाइप एज वेल एज फीनोटाइप दोनों, आपका जो F2 जनरेशन करेंगे पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो वो सेम आता है। ओके, कितना आता है, 1:2:1। इसे आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, नीट में तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है कि बहुत बार मैंने क्वेश्चन लिखा 2018 और 2017 का क्वेश्चन है जिसमें आपका फिनोटिपिक या जीनोटिपिक करेक्टर को पूछा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। जस्ट ऐसा नहीं था, लाइक स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, करेक्ट द लाइक फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट करके। सो उसमें आपका पूछा गया था रेशियो के ऊपर, तो इन दोनों का रेशियो बिल्कुल सेम होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है, विच इज 1:2:1। ओके, याद करने की मतलब ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ के करेंगे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। ओके, फिर है हमारे पास दूसरी चीज, वो है आपका को डोमिनेंस। को डोमिनेंस में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, को डोमिनेंस में हमें देखने के लिए मिलता है F1 जो आपकी जनरेशन है, F1 जो आपकी प्रोजेनी है, F1 प्रोजेनी वो आपके दोनों करेक्टर्स को लेके चलेगी। यानी कि अगर पेरेंट में दो करेक्टर्स हैं तो वो दोनों करेक्टर्स को शो करेगी। ओके, जो कि जिसका एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुपिंग। ओके, तो जैसे कि आपका पेरेंट है जैसे AIA IB, ओके, और IA, इसे I कर देते हैं, ओके, और इसको हम कर देते हैं B और आई। ओके, इसका क्रॉस करवाएंगे तो यही आपके अलग अलग गैमेट्स बनेंगे, और इसका हम जो क्रॉस करवाएंगे तो आपको चार अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेंगे और एक में आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा IA IB। ओके, सो IA IB ये क्या शो करेगा, AB ब्लड ग्रुप। हाउएवर IA I ये क्या है, ए ब्लड ग्रुप और ये है आपका बी ब्लड ग्रुप। मेरा ये एग्जाम्पल लेने का शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो इसलिए मैं अब बता रही हूँ आपको। देखो क्या है ये, मैंने क्यों लिखा है इसे, देखो ये आपके एलील्स वाले पार्ट है। ओके, जो बी ब्लड ग्रुप शो कर रहा है। ओके, ये आपका ए ब्लड ग्रुप को शो कर रहा है, तो ए ब्लड ग्रुप ने मैरी किया बी ब्लड ग्रुप से। ओके, और जो ऑफस्प्रिंग आए वो कैसे आए, क्या देखने के लिए मिला उनमें, AB ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों फादर का भी मदर का भी दोनों का ब्लड ग्रुप अडॉप्ट किया। ओके, सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, को डोमिनेंस, जहां पे जो आपकी प्रोजेनी है वो दोनों करेक्टर्स को लेके चल रही है पेरेंट्स के, वो एक करेक्टर को भी नहीं छोड़ रही। ओके, सिर्फ एक चीज यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होगी, यहाँ पे दोनों चीजें एक्सप्रेस होंगी, राइट? तो यहाँ पे रिजेंबल बोथ
पेरेंट्स, तो उसका एग्जाम्पल है आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है, जहां पे सिर्फ एक सिंगल जीन जो आई कैपिटल आई जीन है उसकी तीन एलील्स होती है। ये तीन एलील्स कौन कौन सी हैं? ये थ्री एलील्स हैं आपकी आई कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। ओके, ये तीन डिफरेंट एलील्स आपको देखने के लिए मिलती है। ये अब यहाँ पे अगर मुझे स्टडी करनी है ना पूरी कोडोमिनेंस की एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की, तो मुझे पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन एलील्स हैं और एक ह्यूमन क्या होता है डिप्लॉइड, और एक ह्यूमन के अंदर सिर्फ दो एलील्स देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो जाएंगे ब्लड ग्रुप्स के। ओके, एनसीईआरटी में आपका टेबल बना हुआ है, वो अच्छे तरीके से उसके एक बार स्टडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ह्यूमन के अंदर सिर्फ दो एलील्स देखने के लिए मिलते हैं, हाउएवर यहाँ पे तीन एलील्स कैपिटल आई जीन कंट्रोल कर रहा है। तो अगर मुझे पढ़ना है हर एक ह्यूमन की, अच्छे से स्टडी करनी है, जानना है हर एक ब्लड ग्रुप के बारे में, तो मुझे पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। और जब पॉपुलेशन की हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म, यहाँ पे वैसे भी एलील्स हमको ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, तो मल्टीपल एलिलिज्म हम उसको कहते हैं, और इसमें हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। ओके, फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत बार आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज टेस्ट क्रॉस। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें हम जो प्रोजेनी आई है राइट, उसको उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा देंगे। ओके, ये हम क्रॉस क्यों करवाएंगे? क्योंकि हमें जानना है कि जीनोटाइप क्या है उस ऑर्गेनिज्म का। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हमें जीनोटाइप जानना है तो उसको हम उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा देंगे, तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ओके, एक होता है आपका आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में हम क्या करते हैं, कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है उसको उसी के आपका डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवा देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउट क्रॉस। ओके, टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आता है वो आता है 1:1। ओके, और F1 जनरेशन का। ओके, तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। F1 जनरेशन आएगी, दूसरी जनरेशन नहीं होगी इसकी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं है, इट्स टेस्ट क्रॉस। अगर एग्जाम में आता है टेस्ट क्रॉस, तो आप पूरी डेफिनेशन लिख के आएंगे टेस्ट क्रॉस की, कि हम ये क्यों करते हैं, टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसके थ्रू जीनोटाइप जो जिसका फाइंड करना है उस ऑर्गेनिज्म का, उसको हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा देते हैं, और वो क्रॉस आप शो करके आएंगे। ओके, आप कोई से भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ले लेंगे जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी का। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो हमें प्लांट मिला है ये हेटरोजाइगस है या होमोजाइगस, क्योंकि हमें तो दिख नहीं रहा है ना, हमें तो ऐसे शो नहीं हो रहा है ना हम, लेकिन लिख के आएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस करवाएंगे हम स्मॉल टी के साथ, और पूरा क्रॉस शो करके आएंगे, और जो आंसर आएगा उसको देखेंगे। अगर 1:1 आता है ये दिखा के आएंगे, अगर 1:1 है मतलब हेटरोजाइगस देखने के लिए मिलेगा आपको प्रोजेनी, ये वाली जो प्रोजेनी है, ये वाला जो टॉल प्लांट है जो हम सिर्फ टॉल प्लांट का क्रॉस करवा रहे थे उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ एक ड्रॉफ के साथ। तो अगर ये हेटरोजाइगस होगा नेचर में, क्योंकि हमें बाहर से नहीं दिख रहा ना, अगर ये हेटरोजाइगस होगा नेचर में तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? 1:1 इसका रेशियो। यहाँ पे हम बात करें प्लियोट्रॉपी की और पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस की। पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस क्या होता है? यहाँ पे पॉलीजेनेटिक मतलब बहुत सारे जीन्स, तो जब बहुत सारे जीन्स मिलके एक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस, मतलब बहुत सारे जीन्स एक करेक्टर को कंट्रोल करेंगे। ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय थ्री और मोर जीन्स से एक ट्रेट कंट्रोल हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस। ओके, सच फीनोटाइप रिफ्लेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। यहाँ पे एक एक एलील का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो हर एक एलील कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे स्किन कलर में, तो स्किन कलर किसी का डार्क होता है, फेयर होता है, व्हीटिश होता है, बहुत सारे आपको वेरिएशन देखने के लिए मिल जाते हैं, ब्राउनिश होते हैं, बहुत स्किन में, स्किन कलर में बहुत वेरिएशन देखने के लिए मिलते हैं। सो यहाँ पे ये जो स्किन कलर है, ह्यूमन स्किन कलर है या आई कलर भी हम बोल सकते हैं, तो वो पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस का पार्ट है। बात कर रहे हैं प्लियोट्रॉपी की। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है? एक सिंगल जीन जो कि बहुत सारे करेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं एक डिजीज की जिसका नाम है फिनाइल कीटो यूरिया। फिनाइल कीटो यूरिया क्या होता है? जीन म्यूटेशन की वजह से होती है। यहाँ पे जो जीन है आपका जीन, या फिर आप एंजाइम कह सकते हो, फिनाइल एलिलीन हाइड्रोक्साइलेज। ओके, ये एंजाइम
क्या हो रहा है, वो रिलीज नहीं हो पा रहा है। क्यों रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो जीन था जो इसे कोड करता था इस एंजाइम के लिए, उसमें कुछ म्यूटेशन आ गई है जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, स्किन में पिगमेंटेशन देखने के लिए मिल रहा है, हेयर की पिगमेंटेशन अफेक्ट हो रही है। तो सिर्फ एक एंजाइम, सिर्फ एक जीन की वजह से एक एंजाइम रिलीज नहीं हो पा रहा है, और एक एक एंजाइम रिलीज नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है। तो सिर्फ एक जीन बहुत सारे मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो जब करता है, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। ओके, आई होप इतनी चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि प्लियोट्रॉपी क्या होता है। फिर है आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ नहीं है, वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवरी ने दी थी इन 1902 ईयर, याद कर लेना अच्छी तरीके से। और किसने दिया था? वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी ने। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है वो क्या है, वो स्पर्म और एग के थ्रू जाते हैं, एग सेल उसको प्रोवाइड करते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, और वो कोई और नहीं जीन्स होते हैं जो कि लीनियरली अरेंज रहते हैं ऑर्डर में क्रोमोसोम के ऊपर। ओके, और जीन्स जो रहते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर लीनियरली अरेंज रहते हैं लीनियर ऑर्डर में। यहाँ पे थॉमस हंट मॉर्गन जो कि आपके एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट है जेनेटिक्स के, उन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पे अपनी स्टडी करी। ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर पे उन्होंने स्टडी करी जो कि आपकी फ्रूट फ्लाई है। ओके, सो इट इज फ्रूट फ्लाई मिलानोगैस्टर। इसके नाम बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, ड्रोसोफिला मिलानो, ये ओ है, मिलानोगैस्टर। ओके, ये इनकी इसकी स्टडी क्यों करी इन्होंने, इसी को क्यों चूज करा? तो नंबर वन ये वाला 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नंबर वन, सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ही ग्रो कर जाती है, मतलब इसे ग्रो करने के लिए स्पेशल नीड्स की आपको जरूरत नहीं, कहीं पे भी ग्रो कर जाएगी। लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, 2 वीक्स में आपकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है इसकी। थर्ड, आपका सिंगल मेटिंग में बहुत बहुत सारे लार्ज आपका प्रोजेनी दे देगी। देखो जितनी ज्यादा प्रोजेनी होगी उतना बड़ा, मतलब लार्ज सैम्पलिंग साइज, राइट? तो आप ऑब्जर्व ज्यादा चीजों कर पाओगे एक टाइम में, तो आपका रिजल्ट भी बहुत बहुत अच्छा आएगा। ओके, देन द फोर्थ वन इज क्लियर डिफरेंसिएशन ऑफ सेक्सेस। सेक्सेस का क्लियर डिफरेंसिएशन यानी कि मेल और फीमेल दोनों में आपको आराम से देख के पता लगा सकते हो, अच्छा ये फीमेल है ये मेल है। तो इसमें क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे एक्सपेरिमेंट के टाइम, तो बहुत इजिली जो एक्सपेरिमेंट है वो आराम से हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये इसे आप लो माइक्रोस्कोप के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर देखो बहुत ज्यादा हाई माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है किस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, उसका कॉस्ट भी उतना ज्यादा हो जाता है एक्सपेरिमेंट का। ओके, और आपका जो रिजल्ट है उसमें भी आपको लगता है कि मे बी एक्यूरेट होगा या नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो ये 5 पॉइंट्स हैं ये जो कि आपको मेंशन करके आने हैं। और ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर का जो साइंटिफिक नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये एक फ्रूट फ्लाई है जो कि आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे इसका लाइफ स्पैन भी याद कर लेना, कभी कभी सिर्फ लाइफ स्पैन के ऊपर ही इसका पूछ रहता है बात, या फिर सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि टीएच मॉर्गन ने किसके ऊपर स्टडी करी थी, तो वो था आपका ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन भी किसने दिया है? आपका टीएच मॉर्गन ने। तो उन्होंने क्या बोला कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 लिंकेज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। मतलब अगर मैं सपोज कर लेती हूँ यहाँ पे मैं लेके चल रही हूँ, यहाँ पे ये कैपिटल आ रहा है और ये स्मॉल आ रहा है, या ये वाली, 1 मिनट, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे इस वाली चीज को कि एग्जैक्टली ये क्या कहना चाह रहा है। ओके, सो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कैपिटल आर और आपका स्मॉल आर। ओके, सो ये एक क्रोमोसोम पे है और एक ये क्रोमोसोम है जिसके ऊपर कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो देखो इनके बीच का डिस्टेंस इतना है और इनके बीच का डिस्टेंस इतना है, ये वाला काफी कम है ये वाला ज्यादा है, इतना तो समझ में आ रहा होगा मे बी, राइट? तो जितना यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है मतलब लिंकेज कम होगा, मतलब ये लिंक कम होंगे एक दूसरे से, जितना लिंक कम होंगे एक दूसरे से उतना ज्यादा यहाँ पे नए नए रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब ये आपका एलील किसी के साथ भी जा सकता है और नई प्रोजेनी बन के आ सकती है। इसमें डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम होगा तो लिंकेज ज्यादा होगा, मतलब ये दोनों हटेंगे नहीं एक दूसरे से, दूसरे के पास से, और रिकॉम्बिनेशन
कम होगा। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, और इतना ज्यादा यूज नहीं है इसका, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है ये आपका पूरा जो आप बोल सकते हैं फॉर्मूला, राइट। फिर आपका अल्फ्रेड स्टर्वेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्फ्रेड स्टर्वेंट ने क्या करा था, जो डिस्टेंस होता है दो जीन्स के बीच उसको लेके क्रोमोसोमल मैप्स बनाए थे। जेनेटिक मैप हम बोल सकते हैं जिनको, ये वाली चीज अल्फ्रेड स्टर्वेंट ने करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अल्फ्रेड स्टर्वेंट ने करी। सेंटी मॉर्गन, इन्होंने हर सेंटी मॉर्गन यूनिट होती है जिसके थ्रू हम डिस्टेंस मेजर करते हैं दो जीन्स के बीच। और सेंटी मॉर्गन को हम कैसे लिखते हैं, ये सी और कैपिटल एम, सेंटी मॉर्गन। जो यूनिट थी आपका, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स हम मेजर करते हैं, सेंटी मॉर्गन इसकी यूनिट है। अब यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन आपके एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में एक तो ये पूरा चार्ट हम पढ़ेंगे ऊपर से, साथ ही साथ में ये नीचे की तरफ जो मैंने लिखा है हनी बी सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आपका अगर आता है तो 3 मार्क्स में आता है, और ये आपका सप्लीमेंट मटेरियल का पार्ट है। यहाँ पे ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आ सकता है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। वो जाके हनी बी सेक्स डिटर्मिनेशन वो उस वीडियो में पढ़ना, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट है कि आप उसे वो पूरा पढ़े। ऐसा हम जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। 3 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए तो आप प्लीज उसको अच्छी तरीके से टाइम देके पढ़िए। एक वीडियो में कुछ नहीं जा रहा, 3 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा, वरना नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में दो तरीके का आपका होता है, एक होता है मेल हेट्रोगेमिटी और एक होता है फीमेल हेट्रोगेमिटी। मेल हेट्रोगेमिटी मतलब जो आपका मेल है वो दो तरीके के गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। दो तरीके के कैसे, नंबर वन ह्यूमंस के अंदर आपको एक्स एक्स और एक्स वाई देखने के लिए मिलता है। तो ये जो एक्स वाई है वो किस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मेल, यानी मेल आपका प्रोड्यूस कर रहा है एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। हालांकि फीमेल सिर्फ एक्स एक्स ही एक्स क्रोमोसोम ही प्रोड्यूस कर रही है। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है आपका ग्रास हॉपर का। ग्रास हॉपर के अंदर जो मेल है एक तो एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस कर रहा है और एक कुछ भी नहीं, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, ओ, खाली जगह है ये, एक सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम हो रहा है। तो वो तो के दो डिफरेंट टाइप, तो इसलिए यहाँ पे मेल हेट्रोगेमिटी होती है। और जब मेल हेट्रोगेमिटी होती है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल रिस्पॉन्सिबल होता है आपके प्रोजेनी के जेंडर के लिए। तो यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेल रिस्पॉन्सिबल है। और मेल, हम फीमेल को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये चाइल्ड गर्ल जो है वो तुम्हारी वजह से है। तो ये एक मॉरल वैल्यू वाला क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन बन के आते हैं। तो मेल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन के अंदर, क्यों, क्योंकि मेल्स जो ह्यूमंस के अंदर हमें मेल हेट्रोगेमिटी मिलती है। तो ये आपको वहां पे लिख के आना है, बहुत ईजी है। अगर आपका मेल हेट्रोगेमिटी वाला टॉपिक क्लियर होगा दिमाग में तो बहुत ईजिली वहां पे आंसर लिख के आ जाओगे। मेल हेट्रोगेमिटी हमें ह्यूमंस के अंदर देखने के लिए मिलती है, इसलिए यहाँ पे हम ये ब्लेम नहीं कर सकते एक फीमेल को कि ये चाइल्ड जिसका सेक्स गर्ल वो फीमेल है वो तुम्हारी वजह से है। क्योंकि मेल हेट्रोगेमिटी हमें ह्यूमंस के अंदर देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट इज फीमेल हेट्रोगेमिटी। फीमेल हेट्रोगेमिटी में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो आपकी फीमेल है वो डिफरेंट तरीके के आपका फॉर्म करती है, दो डिफरेंट तरीके के गैमेट्स। तो नंबर वन सबसे पहले तो कॉकरोच को देख लेते हैं। तो कॉकरोच में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो डिफरेंट तरीके का, यानी कि एक्स और ओ, दो डिफरेंट तरीके का प्रोड्यूस करती है आपके गैमेट्स। और दूसरा मिलता है बर्ड्स, फाउल्स में आप बोल सकते हो। फाउल्स कौन होते हैं, जिसको हम यूज करते हैं फ्लैश के लिए, उसके एग्स के लिए। तो ये हो गई आपकी, जिसमें जेड और डब्लू वो फॉर्म करते हैं, जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एक ह्यूमंस के ऊपर और दूसरा आपके बर्ड्स के ऊपर। तो एक्स एक्स कौन फॉर्म करेगा, मेल, और एक्स वाई कौन फॉर्म करेगी, आपकी फीमेल। तो बर्ड्स, फाउल्स और फिशेज आपको देखने के लिए मिलती है। फिर हम बात कर लेते हैं म्यूटेशन की। द ऑल्टरनेशन ऑफ डीएनए किसी भी चीज की वजह से, वो आपके एक्सरेज हो सकती है, यूवी रेज हो सकती है, किसी भी चीज की वजह से म्यूटेशन हो रहा है। ऑल्टरनेशन मतलब चेंज आ रहा है डीएनए के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। कोई भी एक चेंज डीएनए के सीक्वेंस के अंदर, इट इज नोन एज म्यूटेशन। अब ये जेनेटिक लेवल पे भी हो सकता है और क्रोमोसोम के लेवल पे भी हो सकता है। जेनेटिक लेवल पे होगा मतलब पॉइंट म्यूटेशन, मतलब एक सिंगल बेस पेयर का चेंज आएगा तो उसका हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। दूसरा है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसकी वजह से होता है, या तो डिलीशन हो रहा है या फिर कुछ इंसर्शन हो रहा है बेस पेयर का डीएनए में, और इसका एग्जाम्पल है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इसका एग्जाम्पल है, राइट। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब स्ट्रक्चरल चेंज और
न्यूमेरिकल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज, मतलब आपका चेंज हो गया, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया क्रोमोसोम का, मतलब आपका क्रोमोसोम सपोज कर लो, एक मिनट, राइट, कुछ ऐसा दिखता था और अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, कुछ ऐसा हो गया, ओके, तो ये रिड्यूस हो गया ना साइज, तो मे बी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है क्रोमोसोम का, एक तरीके से ये म्यूटेशन हो सकती है, दूसरी या तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप ये बोल सकते हो चेंज हो रही है क्रोमोसोम की, ओके, किसी एक पर्सन में लाइक इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते थे, अब उसमें कम मिल रहे हैं या उससे ज्यादा क्रोमोसोम देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल क्रोमोसोम म्यूटेशन, ओके, ऐसे आप अपोजिट उसमें लेके चलो, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ओके, इसमें आपको मोनोसोमी भी देखने के लिए मिलती है, ट्राइसोमी भी देखने के लिए मिलती है, ज्यादा हो गया एक, ओके, सो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, एन्यूप्लॉयडी और पॉलीप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी में क्या होता है, पूरा एक सेट आपका क्रोमोसोम का ज्यादा आ गया, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉयडी, और ये हमें प्लांट्स में देखने के लिए मिलती है, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा इन अ सेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका पॉलीप्लॉयडी टर्म हम यूज करते हैं, एंड ये आपको प्लांट्स में देखने के लिए मिलती है, एन्यूप्लॉयडी होती है ट्राइसोमी और इट्स नोन एज मोनोसोमी, ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी क्या होता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, आप बोल सकते हो गैमीट फॉर्मेशन, राइट, यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो ड्यूरिंग द टाइप ऑफ सेल डिविजन साइकिल, एक सेल डिविजन साइकिल, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपके क्रोमैटिड्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से या तो आपको गेन देखने के लिए मिलेगा या फिर आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा एक क्रोमोसोम का, एक फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं डाउन सिंड्रोम का, डाउन सिंड्रोम क्या है, एक ऐसी डिजीज जो कि डाउन को हुई थी, ओके, डाउन व्यक्ति का नाम है डाउन सिंड्रोम, जिसमें उनके सेल के अंदर जो 21st क्रोमोसोम है वो उनको एक्स्ट्रा मिल गया था, मतलब अगर देखो डाउन ह्यूमन है, ठीक है, तो एक क्रोमोसोम लाइक आपको दो देखने के लिए मिलेंगे, 21st 21st, यहाँ पे एक और उन्हें देखने के लिए मिल रहा था 21st, तो तीन क्रोमोसोम देखने के लिए मिल रहे थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी, लैंगडन डाउन के अंदर, ओके, सो ये ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, आपको एक और देखने के लिए मिलेगी, एक कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे मोनोसोमी, आई होप इतनी चीज बहुत बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, एन्यूप्लॉयडी क्या होता है, फेलियर और फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिविजन साइकिल, इट्स CDC, इट्स सेल डिविजन साइकिल, और अगर आप भूल जाओ तो याद कर लेना आपका गैमेटिक गैमेटोजेनेसिस, राइट, रिजल्ट इनटू गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज एन्यूप्लॉयडी, और ये दो तरीके की होती है, ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी। यहाँ पे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, और ये जो अभी मैंने लैंगडन डाउन पढ़ाया आपको, जो डिजीज देखने के लिए मिलती है, इसकी भी हम अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम आपका सबसे पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से, क्योंकि अभी हमने ये कंप्लीट करा, तो नंबर वन है आपका डाउन सिंड्रोम, जो कि आपका लैंगडन डाउन के देखने के लिए मिल रहा था उनके अंदर, उन्होंने खुद अपनी स्टडी करी तो उन्होंने पाया ये एक डाउन सिंड्रोम है, एंड 21st क्रोमोसोम यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है। हम कैसे पहचान करेंगे कि किसी के अंदर डाउन सिंड्रोम है, तो सिम्टम्स पता होने चाहिए ना, तो शॉर्ट स्टैचर्ड होता है, मतलब उसकी हाइट छोटी होगी, राउंड हेड आपको देखने के लिए मिलेगा, पीछे से एकदम फ्लैट हेड होगा, ओके, और आपका जो टंग फेरो टंग, आपने कभी स्नेक की टंग देखी है, तो स्नेक की टंग कुछ ऐसे होती है, आई होप मेरी ड्रॉइंग इतनी बुरी नहीं है, ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसी फेरोट टंग आपको देखने के लिए मिलती है बिल्कुल स्नेक के जैसी, तो इससे भी पता चल जाएगा वो पर्सन, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं, ऐसा कुछ डिफेक्ट नहीं है कि वो स्नेक है, बट उसे एक डिसऑर्डर है जो कि एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम, ओके, उसमें फेरोट टंग देखने के लिए मिलेगी, बिग और रिंकल्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो पाम में बहुत ज्यादा क्रीजेस देखने के लिए मिलेंगे, उसके हाथ जैसे आपका झुर्रियां पड़ जाती है लाइक ओल्ड एज में एजिंग के साथ, तो वहां पे उसके पाम में बहुत ज्यादा क्रीजेस दिखाई देंगे, बहुत ब्रॉड होगा उसका पाम, और उसका जो मेंटल रिटार्डेड होगा, इतना ज्यादा आप ये नहीं बोल सकते कि एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, नहीं, वो मेंटली रिटार्डेड होगा, एक नॉर्मल चाइल्ड से भी कम उसका IQ लेवल होगा, ओके, यहाँ पे उसे कोई भी एक कॉन्जेनाइटल हर्ट डिजीज भी आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरा है आपका क्लाइनफेंटर सिंड्रोम। अब ये तीनों सिंड्रोम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके क्वेश्चन पूछ लेता है इस पे, कभी डाउन पे, कभी क्लाइनफेंटर पे, कभी टर्नर पे, ओके, सो नेक्स्ट वन इज क्लाइनफेंटर सिंड्रोम। क्लाइनफेंटर सिंड्रोम में 47 कैरियोटाइप होता है, यानी कि 47 क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें जो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है उसका, देखो
यहाँ पे ऑटोजोम्स देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्मल ऑटोजोम्स, क्योंकि यहाँ पे तो 21st जो ऑटोजोम था उसमें डिफेक्ट था डाउन सिंड्रोम में, ओके, ऑटोजोमल क्रोमोजोम में डिफेक्ट था। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, जो सेक्स क्रोमोजोम है एक्स वाला, आप बोल सकते हो वो ज्यादा आ गया यहाँ पे, तो एक्स एक्स वाई आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे उस पर्सन में जो मस्कुलाइन डेवलपमेंट है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, होगा स्टराइल, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स वाई है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, गाइनिकोमेस्टीशिया देखने के लिए मिलेगा, मतलब रूडिमेंटरी ओवरीज, ओवरीज है लेकिन रूडिमेंटरी है, राइट। पिच फीमेल वाली वॉइस होगी उसकी, और बियर्ड जो है, जो दाढ़ी वगैरह होती है जैसे मेल में होती है, एकदम प्रॉपर नहीं होगी उसके अंदर, उसके अंदर पुअर ग्रोथ होगी उसकी, लेकिन थोड़ी सी बहुत दिखाई देगी, ओके। फिर आपका टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में जो आपका कैरियोटाइप होगा वो 45 होगा। टर्नर और क्लाइनफेंटर, इसमें यही डिफरेंस है, क्लाइनफेंटर में 47 और टर्नर में 45। और यहाँ पे जो आपका देखने के लिए मिलेगा क्रोमोजोम, तो एक एक्स क्रोमोजोम यहाँ पे नहीं है, ओके। सो एक एक्स क्रोमोजोम नहीं है, एक एक्स क्रोमोजोम नहीं होने की वजह से ब्रेस्ट का पुअर डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे स्मॉल यूटेरस आपको देखने के लिए मिलेगा, रूडिमेंटरी ओवरीज, पफी फिंगर्स, अगर यहाँ पे देखो पफी फिंगर्स आपको वैसे भी किसी किसी लाइक किसी के अंदर देखने में मिल गई, तो ये मत सोचा करो कि यार इसकी पफी फिंगर्स है तो लाइक इसको टर्नर सिंड्रोम है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जस्ट एक आपका सिम्टम है, अब वो पफी फिंगर्स बहुत सारी चीजों की वजह से भी हो सकती है। साथ में आप ये भी देखो ना कि उसके अंदर लाइक वो स्टराइल होगा, वेब्ड नेक उसकी देखने के लिए मिलेगी उस फीमेल की, ओके। सो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है। शॉर्ट स्टैटर्ड है, तो बहुत सारी फीमेल शॉर्ट स्टैटर्ड जो हो सकती है, लेकिन आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखिए, वेब्ड नेक, स्मॉल यूटेरस, पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, रूडिमेंटरीज, ओवरीज और स्टेराइल, और कैरियोटाइप क्या है, 45 क्रोमोसोम, ओके। नेक्स्ट आपका मेंडेलियन, आपका जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं और हर किसी पे क्वेश्चन बन के आता है, और यही लाइक हमको कंप्लीट करना है, जिसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हीमोफीलिया से। हीमोफीलिया नंबर वन है, हीमोफीलिया क्या है, आपका सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। सेक्स लिंक मतलब एक्स लिंक, एक्स क्रोमोसोम्स के साथ लिंक करेगा। हीमोफीलिया में होता क्या है, सबसे पहले हीमोफीलिया में क्या होता है, कोई भी एक पर्सन है, अगर मैंने उसका जरा सा भी एक माइनर कट भी लगा दिया तो उसका कंटिन्यूअसली आपका ब्लड बहता जाएगा, रुकेगा ही नहीं, यानी कि उसके ब्लड कॉगुलेशन में डिफेक्ट है। ब्लड कॉगुलेशन में डिफेक्ट है मतलब ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा है अच्छी तरीके से। क्यों क्लॉट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो प्रोटीन थी जो कि आपका क्लॉटिंग करवाती थी वो उसके अंदर एब्सेंट है, ओके। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है हीमोफीलिया में, और ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर मैं बात करूं क्वीन विक्टोरिया की, वो तो बहुत फेमस है, आपने नाम सुना होगा, तो क्वीन विक्टोरिया इस चीज की कैरियर है, राइट। तो अगर मैं बात करूं एक्स क्रोमोसोम की, तो ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर आपको अगर देखने के लिए मिलता है एक्स वाई, ये एक नॉर्मल पर्सन है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें जैसे हीमोफीलिया है, तो उसके अंदर आपको कैसे देखने के लिए मिलेगा, एक्स के ऊपर एच, एक्स के ऊपर एच, ये इंडिकेट कर रहा है हीमोफीलिया को। तो अगर मैं बात करूं एक्स 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 एच एक्स एच की, तो इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, इसे हीमोफीलिया है। क्यों हीमोफीलिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों ही आपके जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर एच वाली आपको देखने के लिए मिल रहा है, एच शो कर रहा है हीमोफीलिया को। अगर ये वाला पर्सन है, इसके ऊपर ये मेल है और ऊपर वाली फीमेल है, ओके, ये आपकी फीमेल है और ये आपका मेल है। सो मेल के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक एक्स और एक वाई, हाँ, तो एक्स के ऊपर एच है और वाई है, तो ये आपका डिजीज कंडीशन है। और अगर हम बात करें इस वाली की, इस वाली फीमेल की, तो फीमेल में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक नॉर्मल एक्स और एक आपका डिफेक्टिव है एक्स, तो ये आपकी कैरियर है जो कि आगे जनरेशन में लेके जाएगी ये डिजीज, लेकिन इसको खुद को नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, 50% चांसेस रहते हैं, लाइक अगर कोई प्रोजेनी आ रही है तो उसमें 50% चांसेस रहते हैं कि इस कंडीशन में ये आपकी डिफेक्टेड वाली और ये नॉर्मल वाली, ओके। सो अगर आपका मेल बॉर्न होगा, अगर सपोज कर लो किसी कोई एक कैरियर है, राइट, या कोई एक कैरियर है और उसका हम क्रॉस करवाते हैं एक नॉर्मल के साथ, एक नॉर्मल मेल के साथ, तो यहाँ पे दो एक्स के फॉर्मेशन होंगे और ये भी ऐसे ही आपके गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो हम डायरेक्ट एक्स एक्स करवा लेते हैं, एक्स वाई, एक्स एक्स एच, और ये हो गया आपका एक्स
एच वाई। तो देखो यहाँ पे 50% चांसेस है कि नॉर्मल आए या फिर डिजीज आपका क्या आए, सन। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, एक फीमेल की, फीमेल यानी डॉटर की, तो डॉटर में आपकी जितनी भी फॉर्म होंगी डॉटर वो नॉर्मल होंगी सारी। ओके, कैरियर आ रही है, कैरियर को खुद से कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन सन को हो सकता है। तो जो क्वीन विक्टोरिया थी वो कैरियर थी, और उन्होंने अपने जो आप बोल सकते हो अपने राजवंश में ये डिजीज पास करी है, हीमोफीलिया। तो जितने भी लाइक उनके बेटे होंगे, अब 50% चांसेस है ना मे बी वो हीमोफीलिक ही निकले। ओके, तो वो तो लाइक रह ही नहीं पाएंगे। ओके, वो डेथ उनकी, इनकी मेल्स की जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आप खुद सोचो एक इन्फेक्शन के थ्रू भी अगर आपको एक माइनर सा भी कट लगेगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी आपकी, ब्लड कॉगुलेशन फैक्टर में बहुत इफेक्ट है। सो कोई भी हल्का सा भी कट क्या होगा, उनकी डेथ को लीड कर देगा, क्योंकि सारा ब्लड जो है वो बाहर आ जाएगा, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होगा। ओके, सो ऐसे जो मेल्स होते हैं वो जिंदा नहीं रह पाते इस डिफेक्ट की वजह से। फिर दूसरा है आपका कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है, 8% मेल्स में देखने के लिए मिलता है, हाउएवर फीमेल्स के अंदर सिर्फ 0.4% देखने के लिए मिलता है। इस क्रॉस के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा मेल्स इन चीजों से ज्यादा इफेक्ट रहता है। ओके, सो ये भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जैसे कि आपका हीमोफीलिया है, इसलिए हम एक दूसरे एक के साथ एक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे जो हमारे कोन्स होते हैं रेड और ग्रीन, उनमें डिफेक्ट आ जाता है। देखो दो चीजें होती है हमारी आई के अंदर, दो चीजें होती है जो हमें विजन में हेल्प करती है, कोन और रॉड्स। रॉड्स जो होते हैं आर से याद कर लो, रात को देखने में काम आते हैं, और जो कोन्स होते हैं ये डे वाले टाइम में देखने के लिए काम आते हैं। आर से रात याद कर लो, इतना इजी है, तो मतलब आप आराम से याद कर सकते हो, कोई इसके लिए ये नहीं कि बहुत टिपिकल वाली ट्रिक है। सो ओके, सो कोन्स दिन में देखने के लिए काम आते हैं, डे में मतलब कलर विजन के लिए। तो रेड और ग्रीन वाला जो आपका कोन है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो जो पर्सन है वो रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ओके, सो उसे वो कहेगा रेड वाला भी ग्रीन है, ग्रीन वाला भी रेड है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओके, सो क्योंकि उसे डिफेक्ट है ना उसके अंदर। तो ये देखने के लिए मिलता है मेल्स में ज्यादा, फीमेल्स में लाइक 0.4%। यहाँ पे डिजीज वाला कैसे देखने के लिए मिलेगा, एक्स सी सी वाला क्या है आपका, डिफेक्टेड है, कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंडनेस है उसे, और ये वाली फीमेल डिफेक्टेड है। ओके, ये आपकी कैरियर है और ये आपके नॉर्मल है। ओके, आई होप इतनी चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर अप होगी होगी। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट सिकल सेल अनिमिया पे। सिकल सेल अनिमिया इंपॉर्टेंट, एंड थैलेसीमिया और फिनाइल केटोन यूरिया हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा, लेकिन पढ़ लेंगे एकदम लास्ट में। ओके, सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सिकल सेल अनिमिया से। सिकल सेल एनीमिया में ये आपका ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल लिंक्ड मतलब जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। सो जो ऑटोसोम्स है उसमें डिफेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पे ऑटोसोम्स कैसे देखने के लिए मिलेंगे, एच बी ए एच बी एस। ये एच बी एस एस जो शो कर रहा है वो डिफेक्ट को शो कर रहा है, ए जो शो कर रहा है वो नॉर्मल को शो कर रहा है। ओके, सो एच बी एस एच बी एस ये आपका डिजीज पर्सन होगा। ओके, क्यों डिजीज क्यों होगा, क्योंकि ये ऑटोसोमल कंडीशन में ही आपका लाइक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में ही शो करेगा। रिसेसिव कब एक्सप्रेस होता है, होमोजाइगस कंडीशन में। ओके, तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे, जैसे कि एच बी ए और एच बी एस, अगर कोई ये पर्सन होगा, ये आपका हेटरोजाइगस है, तो ये आपका नॉर्मल पर्सन होगा, क्योंकि ये एस कब एक्सप्रेस होगा, आपका रेसेसिव कंडीशन में। ओके, सो ये चीज क्लियर कर लेना अपने माइंड में, ये रेसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा, तो ये एच बी एस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, यूजली होता क्या है ये देख लो, फिर हम पढ़ेंगे कि क्या है इसमें। तो इसमें क्या होता है, सिकल सेल अनीमिया में यहाँ पे ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो अनीमिया ब्लड के लिए होता है ना, यूजली हम बात करते हैं अनीमिया की तो ब्लड के लिए। यहाँ पे ब्लड के अंदर आपको हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिलती है, तो हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन में जो आपका सिक्स्थ पोजीशन है, हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन में जो आपकी सिक्स्थ पोजीशन है, वहां से जो अमीनो एसिड था ग्लूटामिक एसिड, जो ग्लूटामिक एसिड था वो विलाइन में चेंज हो गया। ओके, तो वहां से हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन में जो सिक्स्थ पोजीशन थी ग्लूटामिक एसिड की, वो अब ग्लूटामिक एसिड की नहीं रही, वहां पे विलाइन आ गई। विलाइन भी अमीनो एसिड है और ग्लूटामिक एसिड भी अमीनो एसिड है। तो आपको जी ए जी जो आपको देखने के लिए मिलता था वो जी यू डी में चेंज हो गया, मतलब ए ने रिप्लेस कर दिया यू को। ओके,
तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो आरबीसी है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। आरबीसी की जो शेप होती है वो बाई कॉनकेव होती है, तो वो सिकिल शेप आपको देखने के लिए मिलेगी। देखो बाई कॉनकेव शेप क्या होती है, कुछ ऐसी शेप। ओके, और अब ये कैसी हो जाएगी, सिकिल शेप, कुछ ऐसी शेप। ओके, सो यहाँ पे इफेक्ट होगा ऑर्गन के डेवलपमेंट में, उस पर्सन के अंदर, जैसे बोन्स का डेवलपमेंट, लंग्स का डेवलपमेंट, स्प्लीन में, ये सब कुछ इफेक्ट कॉज करेगी, क्योंकि हर जगह यही वाली आपकी आरबीसी जाएगी। ओके, सो ये चीज हमें देखने मिलती है सिकल सेल अनीमिया में। अब थैलेसीमिया को देख लेते हैं। थैलेसीमिया इंपॉर्टेंट है। अब फिनाइल फिटोयूरिया कम पूछा जाता है, थैलेसीमिया भी कम पूछा जाता है। ये जो तीन थे, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और सिकल सेल अनीमिया, इस पे क्वेश्चन भर भर के आता है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। हमने कोई भी डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं पढ़ा है अभी तक। ओके, और है ही नहीं एनसीईआरटी में, आपके सिलेबस में ही नहीं है। एक मायोटोनिक डायस्ट्रॉफी है, जो कि आपका ऑटोसोमल लिंक आपका डोमिनेंट डिसऑर्डर है, एनसीईआरटी में नाम है, तो याद कर लेना, मायोटोनिक डायस्ट्रॉफी। ओके, फिर इसमें क्या होता है, थैलेसीमिया में जो आपकी ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें म्यूटेशन होता है या फिर डिलीशन होता है। ओके, बीटा ग्लोबिन चेन में, ये दो तरीके की होती है, नंबर वन अल्फा थैलेसीमिया, नंबर टू बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, जो जीन आपका 16th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो चार जीन प्रेजेंट है, HBA1, ओके, HBA2, ये दोनों अलग अलग है। ओके, ये HBA1, HBA2, वन और मोर ऑफ द फोर जीन यहाँ पे आपको डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये अच्छी तरीके से अपना काम परफॉर्म नहीं करेंगे, जो इनके आपका सिक्रीट कर रहे थे, सिंथेसाइज कर रहे थे, वो सिंथेसाइजिंग नहीं हो पाएगी अच्छी तरीके से, उसका कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है अल्फा थैलेसीमिया में 16th क्रोमोसोम के ऊपर। हाउएवर इन बीटा थैलेसीमिया में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, 11th क्रोमोसोम्स के ऊपर जो आपका HBB जीन था, ओके, ये सिंथेसिस को रिड्यूस कर देगा, एक जीन या फिर आप बोल सकते हो एक से ज्यादा जीन या फिर बोथ जीन। ओके, जो आपको देखने के लिए मिलता है थैलेसीमिया के अंदर। तो एक होगी अल्फा, जिसमें 16 क्रोमोसोम पे इफेक्टेड हैं जीन्स, और दूसरी है आपकी बीटा थैलेसीमिया, जिसमें आपका 11 क्रोमोसोम पे जीन्स इफेक्टेड है। फिर आपकी लास्ट फिनाइल कीटो यूरिया। फिनाइल कीटो यूरिया में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, ये इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, जिसमें आपका ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ये भी यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एंजाइम है फिलाइन एलिलीन हाइड्रोक्साइलेज, ये उस जीन में डिफेक्ट आ जाता है जो कि ये एंजाइम को कोट करता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलिलीन टायरोक्सिन में कन्वर्ट होता था, तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ओके, तो जब ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो फिनाइल एलिलीन ही बना रह जाएगा। ओके, क्योंकि फिनाइल एलिलीन चेंज टायरोसिन में कब होता था, जब आपकी फिनाइल एलिलीन हाइड्रोक्साइलेज ये एंजाइम प्रेजेंट हो। अब ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, लैक है इस एंजाइम की, एंजाइम प्रेजेंट नहीं है लिवर में, तो वो वहीं पे एक्यूमुलेट होता जाएगा, और जब एक्यूमुलेट होता जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पाइरूविक एसिड में और उसके अदर डेरिवेट्स में, और ये इफेक्ट कॉज करेगा ब्रेन को और मेंटल डिसऑर्डर कॉज करेगा उस पर्सन में। आया समझ में? एक और बार हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। देखो फिनाइल कीटो यूरिया में क्या होता है, ये एक इनबॉर्न डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी। इसमें क्या होता है, एक जीन जो कि आपका कोड करता था एंजाइम को, फिनाइल एलिलीन हाइड्रोक्साइलेज को, उस पे डिफेक्ट आ गया, इस वाले जीन पे डिफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो एंजाइम है वो नहीं देखने को मिलेगा आपको। हाउएवर ये एंजाइम क्या करता था, लिवर के अंदर आपका फिनाइल एलिलीन जो है उसे टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता था। अब जब ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो फिनाइल एलिलीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, पहले तो एक्यूमुलेट होता रहेगा कहाँ, लिवर के अंदर, और जब बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो फिनाइल पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से ब्रेन में इफेक्ट करेगा और मेंटल डिसऑर्डर कॉज करेगा, स्किन पिगमेंटेशन करेगा, बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट्स शो करेगा। ओके, यही एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का। तो आई होप इस सेशन के थ्रू आपकी हर चीज को कंप्लीट हो गई होगी। जो आपका हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हम अलग वीडियो में करेंगे, और एक वीडियो में मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है वो मैं आपको अलग से बता दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ऐप पे मुझसे लाइक डायरेक्ट पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट डे में, जहां हम जेनेटिक सेकेंड जो है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसकी स्टडी करेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।